विजन सितार में आपका स्वागत है। मैं पंडित रामगोपाल आज आपको बताऊंगा कि हमें कर्तव्य अधिकार क्या होते हैं और हम किस प्रकार से घर में छोटे छोटे काम करके और एक नियमित रूप से हम कोई कार्य करें और उसको एक विज्ञान के तरीके से सुव्यवस्थित कर्मबद्ध ढंग से करते हैं। आज विज्ञान का युग है, हम सुखी कैसे रह सकते हैं और हम कैसे, क्योंकि जो जीवन है बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है। मानव जीवन हमारे यहाँ कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। हमारा केवल उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि केवल हम अपने बच्चे पालें और खाएं पिएं सोएं। हम जो मानव हैं, आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मानव शरीर मिला है ये परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है। ये जो परोपकार है, ये जो परोपकार हमको शरीर मिला है, इसमें हमने इस जीवन का महत्व समझना है कि जैसे एक पक्षी होता है, वो अपने बच्चों को पालता है और इतना वो संघर्ष करता है। एक आपने देखा होगा घोंसला बनाता है और घोंसला इतना मजबूत होता है कि कितनी तूफान आंधी आ जाए लेकिन फिर भी घोंसला हिलता नहीं है। यदि हमने एक बहुत बड़ा घर बनाया, एक बम्बई बना, एक कलकत्ता बना, एक और कहीं बनाया, तो हम बहुत बड़े महान नहीं बन गए। महान व्यक्ति वो है, आप देखते होंगे, महान व्यक्ति के जो गुण हैं, उसने कोई बंगला नहीं बनाया, कोई मकान नहीं बनाया, लेकिन वो एक स्मरणीय हो जाता है, उसकी लोग जीवनी पढ़ते हैं। वो एक घास फूस की झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, एक घास फूस के घर में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उसकी लोग जीवनी पढ़ते हैं और उसकी जीवनी कोई नहीं पढ़ता जिसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो घास फूस में रहता है वो परोपकार के लिए जीता है और परोपकार के लिए ही जीवन को साधता है। वह कई वर्षों के संघर्ष के बाद आप समाज के सामने प्रस्तुत होता है और आपने जो संघर्ष किया है, जो उसने अभी तक जो रिसर्च किया है, जो उसने आपके लिए एक एक कांटे शरीर में चुभो करके और आपके लिए बहुत, जैसे एक हम कोई टैबलेट खाते हैं सिर दर्द की और वो सिर दर्द ठीक हो जाता है, वो टैबलेट केवल 2 रुपये का आता है, लेकिन उसको रिसर्च करने में, उस टैबलेट बनाने कितना समय लगा होगा वो वही लोग जानते हैं। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने, उस मानव ने आपके संघर्ष के, आपके लिए कितना संघर्ष किया और आज वो व्यक्ति आपको एक ऐसा जीवन का संदेश देता है कि जिससे आपका जीवन धन्य और धन्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। मैं आपको आज एक बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में 2 चीज़ है, एक होता है कर्तव्य, एक होता है अधिकार। और हो क्या रहा है कि लोग अधिकार को जानते हैं, कर्तव्य सब भूल जाते हैं। कर्तव्य का मतलब होता है कि हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं कह रहा हूँ कि हमें मानव जीवन मिला है तो केवल अपने बच्चों का पेट भरना, केवल दिनचर्या खाने और सोने में बिता देना, केवल मानव धर्म यही नहीं है। मानव धर्म इससे बहुत आगे चला जाता है। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो फर्ज है, हमें जो अपने लिए करना है, लेकिन हमें परोपकार क्या करना है वो भी एक निश्चित, एक जीवन में एक पाठ होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस लक्ष्य को लेकर चलता है कि मैं तो जीऊँगा लेकिन मैं किसी और के लिए कुछ करके रहूँगा, वो व्यक्ति हमेशा उस शक्ति के का अनुभूति होती है, जो शक्ति हम आपसे बहुत दूर हो जाती है। मैं उस शक्ति की बात करता हूँ जो परोपकार है। हम जब किसी का परोपकार करते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी भोजन करो और आपके रिश्तेदार भोजन करें, आप अच्छा भोजन करें, यदि आप एक दिन किसी भूखे को भोजन कराएं, जो आनंद की अनुभूति होती है वो शायद आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो जीवन है वो परोपकार से कैसा प्रतिभूत होना चाहिए, वो परोपकार हमारा कैसा होना चाहिए, उस परोपकार के लिए हमें क्या करना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार 2 चीज़ हैं। कर्तव्य हमारा क्या है कि हम एक सद्गृहस्थी हैं, हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस बच्चे पे निर्भर होता है।
हमारे देश का जो भविष्य है उस बच्चे पर निर्भर होता है। हमारे देश को भविष्य है, हमारा जो एक निश्चित जो एक लाइन है उस बच्चे पर निर्भर है जिसको हम अच्छा संस्कार दे सकते हैं। परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है कि हम पहले खुद को जीवन को ठीक करें। यदि हम किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं, हम किसी को कहते हैं कि आप ठीक 3:30 बजे उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके चक्षु नेत्र खुलते हैं। हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारी बुद्धि दी है परंतु हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उन चक्षु को खोल ही नहीं पाते हैं। तो हमने दूसरे को संदेश दिया, हमने उनको बताया कि प्रातःकाल उठना चाहिए, 3:30 बजे उठना चाहिए, परंतु हम लोग खुद तो उठे नहीं लेकिन दूसरे को संदेश अवश्य दे देते हैं। परंतु मैं कहना ये चाहता हूँ कि संस्कार पहले स्वयं से आरंभ करना चाहिए। पहले आप खुद 3:30 बजे उठो और फिर आप देखेंगे कि 3:30 बजे उठने से आपकी कितनी आपको शांति मिली, कितनी एनर्जी मिली, कितनी आपको ताकत मिली और आपको कितना उसका फ़ायदा हुआ, तब आप दूसरे को बताएंगे। हम बच्चे को बताते हैं कि बच्चा बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन बच्चे के सामने ये सब हम कर्म उसके सामने करते हैं तो बच्चे को लगता है कि पत्नी इसमें क्या शक्ति होगी इसको करने से। तो हम तात्पर्य यह कहने का कि कर्तव्य हमारा क्या है कि उस बच्चे को संस्कार देना, परंतु स्वयं संस्कारित होना आवश्यक होता है। अधिकार क्या होता है? एक हमारा अधिकार है कि ये मेरी परंपरा है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा धन है, परंतु उस धन का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। हमारे यहाँ सबसे पहले नारी की पूजा का बहुत विधान कहा गया है कि शक्ति की जो एक अदम्य जो शक्ति है वो हमारे नारी है। नारी माँ होती है, नारी पत्नी होती है और नारी बेटी होती है, नारी हमारी बहन होती है और एक लक्ष्मी होती है। उसके 3 रूप होते हैं, वो सरस्वती है, वो महालक्ष्मी है और वो महाकाली है। सरस्वती वो है जब हम उससे विचार करके बहुत बड़ा काम करते हैं। हमने घर में आए और हमें अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास पैसा होता है उसको हम बैंक में रख देते हैं या अपने पास रखते हैं तो धर्मपत्नी को दिखाते भी नहीं। और हमने अगर उसको 2000 रुपये दिए तो हर महीने हिसाब लेते कि हमने 2000 दिया था, आप क्या क्या इसका आपने किया है और कहाँ का आपने खर्च किया है, तो वो बेचारी आपको हिसाब भी देती है और 200-400 रुपये बचा भी देती है। परंतु वो धर्मपत्नी आपको कभी नहीं कहती कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपको बोनस कितना मिलता है और आपको कितनी सैलरी मिलती है और आपने कहाँ कहाँ रखा हुआ है। एक दिन ऐसा आता है कि आपका जो पैसा है वो काम नहीं आया और आपकी जो धर्मपत्नी घर में है उसने जो 200-200 रुपये हर महीने बचाया वो आपके बहुत बड़े काम आ गया, उसने एक इतना पैसा इकट्ठा करके आपको दिया है। तो वो था कर्तव्य और अधिकार। मैं बात करता हूँ कर्तव्य अधिकार की कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। आपका अधिकार था उसको पूछना, लेकिन उसने जो कर्तव्य निभाया आपके साथ है और उसने ऐसे समय पर जब आपके रिश्तेदार भी आपके काम नहीं आए लेकिन आपकी धर्मपत्नी ने आपको वो जो 100-100 रुपये बचा छुपा करके उसने बचाए रखे थे वो आज आपके काम आए, उसने अपना कर्तव्य निभाया। उस दिन वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। उससे आप पे जब कोई विपत्ति आती है तो आप उस सरस्वती से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से संवाद करना है, हमें किसी जो है कोई वस्तु खरीदनी है, लेनी है, नहीं लेनी है, तो सरस्वती का रूप है। वो लक्ष्मी का रूप है जब आपको लक्ष्मी वो इकट्ठा करती आपको देती है। और वो महाकाली है, काली मतलब कल्याण करने वाली थी, काली का मतलब होता है दुख और वियोग को दूर करने वाली, वो काली है अर्थात वह कल्याण करने वाली है। वो वही स्थान माँ का है। आपकी अभी पत्नी घर में नहीं है लेकिन आप हर कार्य माँ को बताते हो, हर आप विद्यार्थी हैं, आप कोई जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं लेकिन उसको माँ को बताते हैं तो वो माँ आपका कल्याण करती है, क्योंकि वो जो माँ है वो संस्कार आपको देती है, उन्हीं संस्कारों से आप एक महान बनते हो और यश और सिद्धि जो है जीवन में प्राप्त करते हो। मैं जब बात करता हूँ कि कर्तव्य और अधिकार, एक कहानी आती है कि रामायण में जब भगवान राम जी
नदी को पार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नदी के किनारे खड़े हैं सीता, राम और लक्ष्मण। भगवान राम खड़े होते हैं, आगे राम जी हैं, फिर सीता जी हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि परिवार में किसका क्या कर्तव्य होना चाहिए और अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ है कि एक परिवार में किस प्रकार हम जीवन यापन करते हैं। राम जी खड़े हैं और सीता जी हैं और लक्ष्मण जी खड़े हैं, इनको नदी पार करने के लिए एक नाव चाहिए। तो नाव वाला इनके पास आता है, बोलता महाराज हमारी नाव में बैठे, हम आपको पार कराएंगे। तो जैसे ही तैयार होते हैं नाव पार करने के लिए, वो कहता कि नहीं प्रभु, हम आपका पहले चरण धोएंगे फिर नाव में बिठाएंगे। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, चरण आप धो लीजिए। वो लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि प्रभु ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि चरण धोएंगे फिर आप पार कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपका मर्म जानता हूँ। उन्होंने कहा मेरा मन तो ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु जानते, आप कैसे जानते हैं। तो उनकी दृष्टि भगवान गंगा की तरफ गई और समझे कि इसलिए मर्म जानता है क्यों ज्ञान के घाट पर जो खड़ा है वो मर्म जानता है। उन्होंने चरण स्पर्श कराए और स्नान कराया, अपना शरीर नीचे लंबा दंडवत हो गए, कहा कि प्रभु हमारे ऊपर चढ़कर आप नाव में बैठिए। तो राम जी ने कहा कि ये कैसा, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी चरण रस से अहिल्या तर गई, पत्थर जो है एक देव नारी बन गई, तो हमारी नाव ये भी काठ की है, कहीं तर न जाए, इसलिए हमने ऐसा किया इस प्रकार से, और नदी पार हो जाते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपकी क्या आपका क्या पैसा बना, आपको क्या देना चाहिए। तो राम जी तो वनवास में थे, उनके पास कुछ था नहीं, तो राम जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाली और राम जी के पास थी। मैं कहना ये चाहता हूँ, सीता जी चाहती तो स्वयं दे देती उनको कि कितने पैसे बने आपके, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि राम जी आप ये अधिकार और कर्तव्य की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये अधिकार और कर्तव्य है। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो जैसे ही सीता जी अंगूठी निकाल राम जी को दी कि हे प्रभु आप ही उनको ये जो नाव की उतराई वो दीजिए, तो भगवान गदगद हो गए। भगवान समझ गए कि ये कोई हमारी सामान्य स्त्री नहीं है, संसार को एक संदेश दिया कि पत्नी हो तो सीता जैसी हो और पति हो तो राम जैसे हों और भाई हो तो लक्ष्मण जैसे हों, जो खड़े हैं केवल चरण उनके निहारते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारी निष्ठा क्या होनी चाहिए, परिवार में हम सुखी कैसे रहें, परिवार में किस प्रकार से हम सामंजस्य आपस में बिठाएं, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए और हम दिन भर क्या करने वाले हैं, पत्नी से अवश्य परामर्श करना चाहिए। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ पे रुकते हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मैं बात करूँगा कि राशियों का फलादेश क्या होता है, राशियों से हम किस प्रकार से उनका दान करके, उनका स्मरण करके, और छोटा सा एक उपाय होता है उसको हम करके जीवन में सुखी रह सकते हैं। बहुत बड़ा हम अगर खर्चा नहीं कर सकते हैं तो कम में ही हम अपने आप को सुखी रख सकते हैं, और हम बताएंगे आपको 12 राशियों के बारे में। पहले मैं बात करूँगा मेष राशि की। मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल होता है, और मेष राशि का स्वामी मंगल होने से आपको थोड़ा क्रोध की इसमें बढ़ जाती है, आप क्रोध आ सकता है आपको राशि में क्या होता है कि कई बार आप जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, तो जल्दी जो है हृदय प्रधान होता है, ये जो मेष राशि का जो जातक होता है वो हृदय प्रधान होता है, और हृदय प्रधानता तो अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी की बातों में आकर के वो अपना अंदर की बात उसको बता देता है और वही उसका फ़ायदा वो दूसरा व्यक्ति उठाता है। आपने इस प्रकार का ध्यान रखना है। मंगल को ठीक करने के लिए जो मेष राशि वाले लोग हैं उनको मंगल को ठीक करने के लिए मंगलवार को थोड़ा सा प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, और हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं,
और हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और 5 हनुमान चालीसा मंदिर में आप दान करेंगे तो आप जिस भी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप एक मजदूर हैं, चाहे आप पंडित हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मंगल के लिए आप मसर की दाल का विधान कर सकते हैं। जिसके पास मंदिर न हो, मंदिर से आप दूर हैं, आपके पास कहीं मंदिर नहीं है, तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। हनुमान जी का फ़ोटो सामने रखिए और वहाँ पे एक घी का दिया जलाएं और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ें और वहीं पे भोग भगवान को लगाएं। हनुमान जी को मीठा पान बहुत प्रिय होता है, जो मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाता है उसकी सारी कामनाएँ शुद्ध होती है। और मेष राशि वाले यदि कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो हनुमान जी की कृपा से उनकी बहुत अच्छी उन्नति होने वाली है। इसके बाद मैं बात करूंगा वृष राशि की। वृष राशि के जो स्वामी है ये शुक्र हैं और वृष राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय आपकी राशि में उसकी दृष्टि अच्छी है और आप दूध का दान कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, वृष राशि में अभी एक समस्या है, एक हफ्ते तक आपको थोड़ा दूध का दान करना पड़ेगा। आप कम से कम 5 दिन तक नित्य दूध का दान करेंगे, उसको चाहे मंदिर में चढ़ाएं, अगर मंदिर संभव नहीं है तो आप किसी को भी दान दे सकते हैं, घर में कोई है तो उसको भी दे सकते हैं, अर्थात कोई घर में जो भोजन बनाने वाले हैं, झाड़ू पोछा करने वाले हैं, उसको भी उस दान दूध को आप दे सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और शुक्र ग्रह वाले माता की ये इसका जो स्वामी है वृष राशि का, इसका शुक्र है और आपको माता की उपासना करनी चाहिए। अगर आपने कभी कोई यात्रा नहीं की है, कोई 52 सिद्ध पीठ हमारे हैं तो उसको जैसे वैष्णो देवी है या नैना देवी, किसी भी सिद्ध पीठ में आप जा सकते हैं। और अगर कोई सिद्ध पीठ साथ ना हो तो कोई देवी का मंदिर साथ में है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, और वहाँ पे मत्था टेक करके माता को नमस्कार करें और एक नारियल चढ़ाएँ तो आपकी सारी कामना सिद्ध हो जाएगी और आप अच्छा जीवन चला सकते हैं। विशेष आपके लिए है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं, आगे अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बरतें, क्योंकि आपका कोई जेब कतरा आपके जो है पैसा ले सकता है, इसलिए आप अपने आप को ठीक से रखें और सावधानी पूर्वक चलें। उसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक है जो स्वामी है वो बुध है और बुध आपका इतना अच्छा नहीं है। आपको आप देखते होंगे कई बार हम महसूस करते हैं कि साहब हमें नज़र लग गई या हमें किसी ईर्ष्या होगी, जैसे हम भोजन कर रहे होते हैं और किसी ने देख लिया तो हमें नज़र लग जाती है और हम कैसा नज़र लगे कल से भूख नहीं लगेगी। तो मिथुन राशि के जातक को हमेशा भोजन थोड़ा पर्दे में करना चाहिए और खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी के सेवन उसको नहीं करना चाहिए, इससे उसकी ग्रह अवस्था खराब होती है और पाचन क्रिया भी फर्क पड़ता है। तो बुध की दशा वाले मंदिर में, अगर विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पे जा कर के ओम बुधाये नमः और हरी मूंग की दाल या हरा कपड़ा या हरी सब्जी, कोई भी हरी चीज़ दान करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और इस समय आपको अगर कहीं संभव है तो गाय की पूजा करें, गाय को हरा चारा डालें तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। यदि आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं और कोई आपने पार्टनरशिप के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो पार्टनर से पहले ठीक से बात कर लें, क्योंकि पार्टनर के साथ आपकी कुछ समय तक बात बिगड़ने की आशंका है, इसलिए आप उसके साथ पहले ठीक से बातों को फिक्स करें। अर्थात हमें अगर हमने वो उसके साथ कोई व्यापार करना है, कोई कुछ भी कार्य इकट्ठा करना है तो उसको पहले निश्चित कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा आपकी राशि को इस समय अच्छी दृष्टि देख रहा है। चंद्रमा का पूर्ण रूप इस समय होता है उजाला पक्ष है। इस समय आपको आज नवमी तिथि है तो चंद्रमा का आप दान करेंगे, चंद्रमा के लिए आप सोयाबीन का दान करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई रोग से ग्रसित हैं, आपको लग रहा है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन बीमारी आपको इतनी है नहीं, आपको ऐसे वहम हो रहा है, ये चंद्रमा क्योंकि उस पर शनि की भी दृष्टि अभी पड़ रही है तो शनि का थोड़ा दान करें। सफ़ेद कपड़े में आप चावल और काले तिल ये अलग अलग रख करके उसको बांध करके आप इसको दान कर सकते हैं, इसको किसी मंदिर में दान करें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और रात को चंद्र दर्शन आप अवश्य करें। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की।
सिंह राशि स्वामी सूर्य है और सूर्य सबसे तेज ग्रह होता है। आपकी राशि में सिंह सूर्य होने से आपका थोड़ा आप अपनी बात को ज़्यादा रखते हैं और दूसरी बात वो सुनना नहीं चाहते हैं, इसी से आपके काम सारे जो है बिगड़ने के कगार पे आ जाते हैं। लेकिन आपका एक मातृशक्ति है, आपकी कोई शक्ति है जो माता देती है, उससे आप काम बन जाता है, लेकिन ऐन मौके पे काम बनता है। लेकिन आप अनावश्यक अपनी बात को दूसरे पे थोपना चाहते हैं और आपके लिए सावधानी है कि आप दूसरे की बात को भी सुने तो आपका अच्छा फायदा आपको हो सकता है। और सूर्य की राशि के लिए आपको अगर लाल गाय मिले तो उसको चारा खिलाएं, या ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक 5.25 रति का एक माणिक रत्न होता है, उसको आप सूर्य मंदिर में या राम जी के मंदिर में दान करें तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। यदि आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं और एक आपका कोई ज़मीन का कोई सौदा होने वाला है, आप उसका अवश्य करें तो आपको ठीक से उसका फायदा मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी अभी बुध है और कन्या राशि में इसमें शुक्र की दृष्टि है, तो कन्या राशि में आपको विशेष लाभ अभी हो नहीं रहा है, आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और आपको उसके बाद फायदा होगा। आप कम से कम एक दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करें और हरी चीज़ का दान भी कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होने वाला है। कन्या राशि के जातकों को विशेषकर अपनी जो होने वाली जो आपकी कोई कार्य है उसके लिए सचेत रहें और भोजन का ध्यान रखें, क्योंकि गलत भोजन करने से आप बीमार हो सकते हैं। इसके बचाव के लिए आप भोजन का ध्यान रखें और आप विशेष अपना कल्याण चाहते हैं तो दुर्गा उपासना करें, दुर्गा जी को मिठाई चढ़ाएँ और नारियल चढ़ाएँ तो आपको फायदा हो सकता है। और एक आपने और उपाय करना है कि आपने बुध का भी दान करें, ओम बुधाई नमः, इसको आप दान करेंगे तो आपका अच्छा फायदा होने वाला है। उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि में बात करेंगे, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और उसके ये उसका शुक्र अपना घर है, तो इस राशि में विशेष फायदा आपको होने वाला है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी काम था तो आपको ये इससे भी निजात मिलने वाली है। यदि आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो ये आपको वापस आने वाले हैं, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको कम से कम 5 दिन तक ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करें 5 दिन तक, तो आपको विशेष फल मिलने वाला है। और यदि कोई कन्या आपको मिले, छोटी कन्या हो 9 साल तक की, तो उसको आप दक्षिणा दें तो आपका कल्याण होगा। लेकिन इस विज्ञान के युग में हमें कन्याओं की दक्षिणा देने के लिए केवल उसको 10 रुपये नहीं पकड़ा देने हैं, अगर हो सके तो उसके अकाउंट में कम से कम 500 रुपये या 100 जितना हम डाल सकते हैं, 100 से ऊपर उसके अकाउंट में डालेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल है और मंगल इस समय आपकी राशि में अच्छा फल दे रहा है और मंगल की राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप आग से बचे रहें और किसी से द्वेष न करें, गुस्सा न करें। आपके अगर कोई झगड़ा होता है तो आप बिल्कुल उसे दूर रहें, और यदि आपकी कोई बात थोप रहा है तो बिल्कुल आप उसे विचलित न हो। आपको कोई आपका साथी विचलित कर सकता है, आपकी कोई सीक्रेट जानकारी कोई आपको लीक कर सकता है, उसके लिए आप सावधानी बरतें। और इस आप थोड़ा हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और शिव जी को आप काले तिल चढ़ाएं और कोई फल चढ़ाएं जो आज का ऋतुफल है, जैसे आम है और आड़ू है, जो भी ऋतुफल है उसको चढ़ाएंगे तो आपको विशेष फल मिलने वाला है। और आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं, 5 बादाम शिव जी को चढ़ाएं और शिव जी आपका कल्याण करेंगे और ये लगातार 7 दिन तक चढ़ाएँ। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पंचाक्षर मंत्र इसका पाठ करेंगे तो आपका कल्याण होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि के स्वामी बृहस्पति है और धनुराशि के जो जातक हैं थोड़ा सा परोपकारी होते हैं, लेकिन परोपकार में कई बार क्या होता है कि उनका धन फंस जाता है और धन वापस आने में समय लग जाता है। कई बार तो धन लेने के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जिसने धन लिया उल्टा उन पर आरोप लगाने लग जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि चने की दाल,
चने की दाल और गुड़ उसका आप दान करें तो विशेष फल आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि है, तो शनि आपकी राशि में बहुत अच्छा चल रहा है, शनि की पूर्ण दृष्टि है, शनि आपको प्रबल योग है, आप बहुत जो काम आपने सोचा नहीं वो भी कर सकते हैं और आपका कोई धन का भी काम बनने वाला है, विशेष आपको कोई पैसा मिलने वाला है और कोई आपका जो भूमि कोई उसका व्यापार चल नहीं रहा था या कोई आपने प्लॉट लिया था बिका नहीं था और वो दो तीन दिन में बिकने वाला है। ओम शनिश्चराय नमः। और चींटियों को कहीं आप आटा डाल सकते हैं और अपनी सकल तेल में दे करके आप दान करें तो विशेष फल आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि आपकी राशि में बहुत अच्छा है, आप थोड़ा तेल का दिया जलाएं शनि मंदिर में, तो ओम शनिश्चराय नमः, और उसमें 5-7 दाने काले तिल डालें या लौंग डालें 2-3 उसमें जलते हुए दिए में, तो आपका विशेष फल आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको विशेष हिदायत दी जाती है कि आप अपने आप को विद्या से जोड़ें। आप अगर विद्या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो विद्या आप पढ़ें अगर आप विद्यार्थी हैं, और यदि आप कोई गृहिणी हैं, कोई आप सामान्य काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपको गुड़ का दान करना चाहिए या किसी छोटे बच्चों में गुड़ का दान करें और चने का दान करें तो आपको विशेष फल होने वाला है। आइए यह ग्रहों का जो उपाय है आप इसको करेंगे और इनका मंत्र जाप करेंगे और अगर अपना चरित्र ठीक रखें, अगर आप चरित्र ठीक रखेंगे और स्तवन ग्रहों का करेंगे और भगवान जो इष्ट आपका होता है उसको अवश्य उसका नाम लेना चाहिए, जो आपने गुरु मंत्र लिया है उसका आप ध्यान करेंगे तो अवश्य आपको फल मिलने वाला है। तो आइए, आपकी कोई समस्या है, आप देख रहे होंगे टीवी में ईमेल एड्रेस आप पे आ रहा है, आपके टीवी स्क्रीन में ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो विजन सितारा में आप कोई अपनी समस्या भेज सकते हैं, कोई ग्रह कुंडली है तो वो भेज सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। आज इसमें इतना ही। ओम नमो नारायण।